के एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए। हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, इस समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। कहां चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है। दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी है पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। देखिए आज अस्पतालों की हालत क्या है, आज अस्पतालों की हालत क्या है, जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे,
स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं, और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको, जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।